नमस्ते सलाम, वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिर आ गई मैं आपकी लाइफ से बोरियत को दूर करने के लिए और लाई हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की चटपटी खबरें। जी तो कोई टेंशन नहीं लेने का, सब भूल जाने का और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के बाद ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय ने अपने दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। तो अब एक बार फिर से ये फिल्म ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया था कि फाइटर 21 मार्च को नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस अनाउंसमेंट के साथ नेटफ्लिक्स ने फिल्म का प्रोमो भी शेयर किया था। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देवियों और सजनों, फाइटर लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे ये फिल्म इंडिया में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी थी और ग्लोबली इसने 300 करोड़ कमा लिए थे। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म ट्रिपल आर से पूरी दुनिया भर में अपना जलवा बिखेरने वाले रामचरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर को लेकर बिजी चल रहे हैं। तो इसी बीच इस फिल्म के सेट से उनकी कुछ फोटोज भी वायरल हुई। दरअसल रिलीज से महीनों पहले इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के ओटीटी राइट्स खरीद लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये राइट्स 105 करोड़ रुपए में बिके हैं। हालांकि ये राइट्स सिर्फ साउथ वर्जन के लिए है। ऐसी चर्चा है कि हिंदी वर्जन की डील G5 के साथ हो सकती है। हालांकि इन सब के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। वैसे एस शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रामचरण के ऑपोजिट कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इन दिनों पेरेंट्स बनने की खबर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दीपिका पादुकोण ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से खलबली मचा दी थी। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो मम्मी और रणवीर सिंह पापा बनने वाले हैं। इसी बीच अब खबर ये है कि प्रेग्नेंट बीबी दीपिका की देखभाल करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेंगे रणवीर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने अपने सभी वर्क कमिटमेंट्स पूरे कर लिए हैं और अब वो अपनी मैटरनिटी लीव इंजॉय कर रही है। वहीं रणवीर भी अब एक साल की पैटर्निटी लीव लेने की योजना बना रहे हैं ताकि वो दीपिका और बच्चे के साथ समय स्पेंड कर सके। इसलिए रणवीर ने डिसाइड कर लिया कि डॉन 3 और शक्तिमान से पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। कनगुआ का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। सूर्य ने अपने सोशल मीडिया पर अपने नेक्स्ट रिलीज कनगुआ का 1 मिनट लंबा टीजर शेयर किया, जिस पर फैंस ने शिवा के डायरेक्शन में बनी फिल्म पर रिएक्ट किया है। ये फिल्म पीरियड एक्शन ड्रामा बेस्ड होगा। सूर्या एक भयंकर योद्धा के रोल में खूंखार दिख रहे हैं, जो युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करता है। वहीं बॉबी के कैरेक्टर की भी झलक देखी गई है, जो फिल्म में विलन बने हैं। फिलहाल फिल्म के रिलीज डेट की अभी भी घोषणा नहीं हुई है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद अक्सर अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में छाई रहती है, पर अब उर्फी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए लिया शाहरुख का सहारा। जी हाँ, दरअसल उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है। ये फोटो उनकी और शाहरुख खान की है। फोटो देखकर लग रहा है कि शाहरुख उर्फी के साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं। देखते ही देखते उर्फी और शाहरुख की ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद यूजर्स को ये फोटो खटकने लगी, जिसके बाद पता चला कि ये फोटो तो पूरी तरह से फर्जी है। आपको बता दें, शाहरुख खान के साथ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डालते हुए उर्फी ने लिखा, अपने फेवरेट से मिली पर ये फोटो एकदम नकली है। वेल दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को।